आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर अंधा विश्वास ना करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहिए। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वो थक जाता है, पर एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उसके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हो। कभी भी अपने बड़े सपनों की किसी छोटी सोच वाली के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात होनी चाहिए कि वो आपके बड़े सपनों को समझ पाए। एक बात हमेशा याद रखना, संघर्ष में हमेशा इंसान अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना और ये याद रखना कि अगर आपने सही फैसला लिया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिल सकता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिलती। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी उस पहचान को कायम कर सके। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। ना दोस्ती मिली ना प्यार मिला, हर मोड़ पर एक मतलबी यार मिला। हमेशा याद रखिएगा, आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहां पे देना पड़ता है जहां पर आपको सुनने वाला और समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं, वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता, जिन्हें पाने के लिए लोग मरते हैं। तुम में वो ताकत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसे कैसे हासिल किया जाता है, क्योंकि उसे समझने की भी उनकी औकात नहीं। तू थकना मत, डरना मत और बैठकर हार मत मानना। अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूट जाएगा। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना हो खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते क्यों हो जीवन में कि क्या होगा? या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं, प्यार अगर सच्चा होगा तो वो आपके पास लौट कर जरूर आएगा। लेकिन सवाल ये है कि यदि प्यार सच्चा होता तो वो आपको छोड़कर ही क्यों जाता?
यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सके। जो इंसान आपके शब्दों का मूल नहीं समझता, उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आए, क्योंकि यदि छांव होती तो ना जाने कब के सो गए होते। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को नहीं मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। किसी का किया गया एहसान कभी मत भूलो, और अपना किया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में दो बार सही समय बता देती है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती, और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें, तो यह विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने से पैदा होगा। सफलता में अनुभव का बड़ा हाथ होता है। जब तक आप किसी चीज का अनुभव खुद नहीं करेंगे, तब तक आपको आपकी मनचाही सफलता नहीं मिल सकती। किसी दूसरे के आगे बढ़ने से या किसी दूसरे के पीछे चलने से आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई है इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। अगर सफलता ही आपका एकमात्र लक्ष्य है तो असफलता का डर आपको कभी भी हरा नहीं सकता। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान आपकी कद्र कभी नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सुनना जरूर पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कमाना सीखना होगा। हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा, और रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्ते निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखिएगा, आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको खुलकर जीना सीखना होगा। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। नेत्र ही हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हम कब किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटिए, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। जिंदगी का एक उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं लड़ना सीखो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको किसी ने गलत मान ही लिया है, तो उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नजरों में गिर जाना। क्योंकि ये बात आपको पहले से पता होगी कि वो व्यक्ति आपके बातों को कभी भी मानने वाला नहीं है। जब तक पैसा है तब तक लोग पूछते हैं हाल कैसा है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। कामयाबी
इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले ने ईश्वर से कहा, तू भी कलाकार और मैं भी कलाकार, तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए गए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए गए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते, डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। छुड़ा देती है नींद को घर की जिम्मेदारियां। रात में जागने वाला हर इंसान आसिक नहीं होता, किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है। वो मुझे जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा करते रहो और फिर होता यह है कि एक दिन वो आपको बेवकूफ समझने लगता है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो, आप अपना काम करते रहो, ये वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचिए। जो आपको सिर्फ आपको काम के समय याद करता है उनके काम जरूर करो, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी खोजते हैं और वो रोशनी आप हो। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन है दो दिन का मेला, एक दिन सब यहीं छोड़ जाओगे। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले, अपनों से ऊपर वालों को देखा तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी मत होना तुम निराश, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो है हमारे लिए खास। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ, हर कोई मुझसे दूर जाना चाहता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं और बदनसीब मैं हूँ जिसे पाकर अक्सर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। ये इस दुनिया का नियम है, यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के तीन समाधान हैं, स्वीकार कीजिए, बदल दीजिए या छोड़ दीजिए। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखिए और अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यदि आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि सफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होता। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है वहां खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना ही समझदारी है। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता उसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है इस बात की समझ कि हम ना समझ हैं। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन शंखों को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा सा शंख मिला। यह देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में ये विचार आया कि इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज्यादा पैसे कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा कि मैं इससे भी बड़ा शंख ढूंढूंगा ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊं। अब वो लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख
हासिल नहीं हुआ और उसने बड़े शंख के चक्कर में जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते उन सारे शंखों को उठाकर फेंक देता, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख चाहिए ताकि मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाऊं। उस बड़े शंख के तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। ना तो उसे बड़ा शंख मिला और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उन शंख को भी उसने फेंक दिए और उसके हाथ में कुछ नहीं आया। जो पहला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे छोटे शंख थे। रात हो गई, दोनों दोस्त घर जाने लगे। घर जाते वक्त पहला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए। उसके पास जो बड़ा शंख था उसके 1000 रुपये मिले और छोटे छोटे जो शंख थे उसके लिए उसे 3000 रुपये मिले। ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश उन छोटे छोटे शंखों को फेंकता नहीं तो मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती। उसके दोस्त ने बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे उन्हीं को मैंने जमा कर लिया और उन्हीं की वजह से मुझे 3000 रुपये मिले। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हम कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों के चक्कर में कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गवा देते हैं। हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई सारी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बात आपको जान लेनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बहुत विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए आप छोटी सी छोटी चीज़ों पर ध्यान लगाओ, इसे नज़रअंदाज मत करो, आगे जाकर आपको उसकी अहमियत पता चलेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचो बड़ा, लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आपका लक्ष्य आप हासिल कर पाओ, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।